चल अंदर। ऐसे मत देख प्रियम, बड़े भाई का हक मांग रहा हूँ और कुछ भी नहीं। जब माँ के आंसू मुझे रोक नहीं पाए तो कोई मुझे रोक नहीं पाएगा पलाश, ना तुम ना तुम्हारा ये हक। नहीं, मेरी शादी हो जाए उसके बाद चले जाना। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो तुम? समझा करो, जिद मत करो। जिद तुम कर रहे हो प्रियम, और मैं तुम्हारी इज्जत नहीं मानने वाला। प्रियम, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और तू मुझे छोड़कर चला जाएगा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरे होने से कम हो जाएगी। प्रियम, तुम जिद क्यों कर रहे हो? तू भी बता, मैं कैसे आऊंगा वहां पर? कंगना भागे और तुम जानते हो सब कुछ, तो जानते हो तुम। तू सिर्फ ये सोचना कि ये तेरे बड़े भाई की शादी है, तू मेरी तरफ देखना, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। प्रियम, अगर तुम मेरे जगह होते तो तुम क्या करते? नहीं यार, सह नहीं पाऊंगा मैं। पलाश, खुश रहे, ऑल द बेस्ट फॉर मैरिज। और हाँ, और एक बात, हो सके तो मेरी कंगना का ख्याल रखना यार, उपकार होगा इस भाई पर। गाड़ी तो मैडम स्टार्ट नहीं होगी, गर्म हो गई है बहुत ज्यादा। देखिए दादा, प्लीज एक बार कोशिश कीजिए, मेरा एयरपोर्ट पे पहुंचना बहुत जरूरी है। इसमें टाइम लगेगा मैडम। देखिए दादा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, आप प्लीज कोशिश कीजिए। अब ऐसा कीजिए मैडम, एयरपोर्ट बाजू में ही है, आप पैदल जाएंगे तो भी जल्दी पहुँच जाएंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ, I'm really very sorry. देखिए आपकी कोई गलती नहीं है, वो तो मैं ही जरा जल्दी में हूँ। अगर आपको कहीं जाना तो I can drop you miss. Seriously. Thank you so much. मैं चली जाऊंगी। देखिए आपको चोट आई है, I have my car, I can take you to the hospital. जी नहीं। क्या हुआ? पता नहीं, सर उतर के देखता हूँ। देखिए मैंने कहा ना आपसे, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। सुनिए मैम, एक मिनट,
सर, लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? ओह गॉड। ठीक है, काम करो, बैगेज निकालो। मैं आप पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ। अरे, मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप जिस काम के लिए जा रही हैं, कम से कम मैं आपको उस जगह तक पहुंचा सकूं, सिर्फ इसलिए। प्लीज, मैंने कहा ना आपसे मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। अरे निवान, प्रियम, तू तू यहां क्या कर रहा है? एक मिनट, लेट मी थिंक। ओहो, कहीं तू भी उस लड़की के पीछे तो नहीं है जिसके पीछे मैं हूं? क्या लड़की थी यार, माइंड ब्लोइंग। निवान, इंडिया आते ही अब तक नहीं सुधरा था। अरे यार प्रियम, मुझे मालूम होता ना कि इंडिया आते ही मुझे तेरी भाभी मिल जाएगी तो मैं कब का इंडिया आ गया होता। होल्ड इट, होल्ड इट, मुझे जाना होगा, देर हो रही है। ठीक है, एक मिनट, जाना है? कहाँ जाना है भाई? मैं यूएस वापस जा रहा हूँ। दिस ain't funny, dude. तू यूएस जा रहा है? प्रियम, निवान को इंडिया बुला के खुद यूएस जा रहा है, किस लिए? इट्स नॉट फनी। मैं वाकई में जा रहा हूँ। ये देखो टिकट्स, और मेरे फ्लाइट की देर हो रही है। तेरी फ्लाइट कितने बजे की थी? 12:30। क्यों? 12:30। अपनी घड़ी में टाइम देख। वेल, घड़ी पहना तो नहीं हूँ तो। ये देख। 12:30। Damn it! Yes! अरे अभी तक तो फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे दिस इज गॉड्स डिसीजन माय फ्रेंड। अरे निवान को वहां से यहां बुला के प्रियम वहां चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नो, नॉट डन। और वैसे मेरी जिंदगी में एक ब्यूटीफुल सी फ्लाइट आकर लैंड कर चुकी है सीधे मेरे दिल पे। हे प्रियम, क्या कर रहा है? अरे यार, एक एक्सीडेंट ऑलरेडी करा के गॉड ने मुझे सिग्नल दे दिया कि वो नहीं चाहते मैं किसी गाड़ी शाड़ी से ट्रैवल करूं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कलकत्ता के फेवरेट ट्रांसपोर्ट घोड़ा गाड़ी से ट्रैवल करूंगा। यस, डिसाइडेड। ड्राइवर, अरे ड्राइवर दादा, इधर आइए। अरे जाके सबसे अच्छी घोड़ा गाड़ी लेकर आइए, जाइए जाइए। मेरी बात सुन, गाड़ी में बैठ, मुझे एयरपोर्ट जाना। अरे वो हम, मुझे कोई दूसरी फ्लाइट मिल जाएगी, मुझे जाने दे। तेरी नेक्स्ट फ्लाइट तुझे कल ही मिलेगी। Damn.
मुझे कल तक रुकना होगा। रुकना पड़ेगा मेरे भाई, रुकना पड़ेगा। हे प्रियम, क्या हुआ? Why you so sad? इतना उदास क्यों है तू? जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है, और जब तक तू मुझे सच नहीं बताएगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे कहीं बाहर जाने दूंगा। अरे वो देख घोड़ा गाड़ी, इधर 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 आ जा, आ जा। कोई टांगे वाली जब रूठ जाती है तो और भी हंसी। Hey God, this is not fair, huh? मैं इतनी दूर से आया हूँ और ये नौटंकी नंबर वन। बैठ यार, इरिटेट मत कर। तू नहीं समझेगा इन आंसुओं को यार, ये मेरे दर्द को, मेरे इमोशंस को बह जाने दे। तू छोड़ दे। प्लीज ना, डू नॉट इरिटेट। अरे यार मैं इरिटेट नहीं कर रहा, मैं तो ड्रामा कर रहा हूँ, ड्रामा थिएटर। और वैसे भी तुझे याद है ना कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ? अरे कितने अवार्ड्स मिले हैं मुझे एक्टिंग में, याद है ना? बड़े बाप की बिगड़ी वाला निवान, Highly accepted and appreciated actor निवान। इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्लर्ट निवान। Thanks for the compliment. लेकिन तेरे जैसा अच्छा दोस्त और सच्चा दोस्त मुझे नहीं मिल सकता। अरे यार, तेरे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं या नहीं? अरे तू मेरे दर्द को नहीं समझ रहा, और तू मुझे ये सब कह रहा है कि मैं रिच बिजनेसमैन की औलाद, बिगेस्ट फ्लर्ट जो मैं हूँ, और इसलिए हूँ क्योंकि मैं हैंडसम। लेकिन तू बदल गया यार। अरे क्या लड़की थी वो प्रिया, ऐसा लग रहा था जैसे चांद खुद जमीन पर आ गया। अरे तू उसको देखता ना, तू भी उस पर लट्टू हो जाता, अरे दीवाना हो जाता तू उसका। आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल जो मेरी गाड़ी से टकराई थी। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वो लड़की मेरे सामने अभी आ जाए ना, तो मैं टांगे वाले को किस कर लूंगा, तुम्हारी कसम। ओ टांगे वाले, अब आगे देखे चलाए ना प्लीज। अरे यार तुम इन पे क्यों नाराज हो रहे हो? ये तो एक दीवाने की मदद कर रहे हैं। इनफ निवान, जब वो लड़की तुझे मिल जाएगी तब बात करेंगे। बाबू वो पीछे दुर्गा माँ का मंदिर है, उनसे जो मांगोगे मिल जाता है। आपके लिए जादू दुर्गा माँ ही कर सकता है। रोको 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 रोको, क्या कहा आपने? माँ दुर्गा का मंदिर जहाँ सारी मर्यादे पूरी होती। माइंड ब्लोइंग। अब तो एक काम करो, इस फ्लाइट का यू टर्न लो और सीधे माता के मंदिर पे लैंड करो, क्योंकि आज ये दीवाना अपना प्यार पाकर रहेगा। मोड़ो मोड़ो, चलो चलो पीछे लो, पीछे लो। दुर्गा, आज मेरा प्रियम मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन गलती तो मेरी है ना, मुझे उसे रोकने में देरी हो गई। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि मैं उसे रोकने के लिए बहुत दूर तक गई थी। प्रियम के बिना कंगना कुछ नहीं है, कैसे जिंदा रह पाऊंगी मैं अपने प्रियम के बिना? बोलो माँ, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों भेज दिया प्रियम को मुझसे दूर? क्या इतनी सजा काफी नहीं थी मेरे लिए जो तुमने प्रियम को इतनी दूर भेज दिया? क्यों माँ, कहाँ से लाऊं मैं प्रियम को ढूंढ के? माँ कहाँ जाऊं? अपनी कंगना का इतना इम्तिहान मत लो माँ, मेरे प्रियम को वापस बुला दो माँ, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। क्यों वापस बुलाया तुमने मुझे वहां? क्यों? सब कुछ पाकर भी सब खो दिया मैंने, फिर भी तुमने रोक लिया, क्यों मां क्यों?
अपनी माँ के हक को भी ना कर दिया मैंने और खुद रुक गया। अब क्या होना बाकी है माँ? वो अधूरापन जो मेरे दिल में महसूस कर रहा है, क्या उसे पूरा होना है? क्या जाने से पहले एक बार करना से मिलना है मुझे? हाँ, इसलिए रोका है तुमने, और मेरा भी दिल तो यही चाहता है ना माँ, कंगना से मिलना। तो फिर मिला दो ना मुझे उससे माँ। आई एम डाइंग टू सी हर वंस अगेन। लुक, मैं नहीं जानता कि तुम सच में चमत्कार करती हो या नहीं, लेकिन इस बार मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा। यस दुर्गा माँ, आई एम सीरियस। क्या लड़की थी वो, आंखों ने देखा और सीधे दिल में घर कर दिया। और ये जादू आपने किया है, इसका मतलब कि आप जानती हैं कि वो कौन है। प्लीज प्लीज एक बार मुझे उस लड़की से मिला दो। मिला दो ना माँ मुझे अपने प्रेम से। अगर मेरा प्यार सच्चा है, मेरे प्यार में शक्ति है माँ, तो बस एक बार मिला दो मुझे प्रेम से। एक बार मिला दो माँ, एक बार। मेरे दिल की ये चाहत अब तुम्हारी मर्जी भी बन चुकी है, तो फिर प्लीज कंगना से मुझे मिला दो। मिला दो ना मुझे उससे माँ, मेरे अनजाने प्यार से, जिसका नाम भी नहीं जानता, लेकिन ना जाने उसे दिल पहचानने लगा। प्लीज मिला दो मुझे उससे, उसे एक बार मेरे सामने ले आओ प्लीज। कंगना मेरी जिंदगी नहीं है। मेरे और कंगना के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता होगा, और वो है नफरत का।